स्माइल के साथ। तो गाइस 1 December 2022 अंजना वेड्स ध्रुव। तो स्टार्ट करते हैं हमारी शादी की जर्नी एंड ये है पार्ट वन। तो स्टार्ट करेंगे मेरी मेहंदी से। तो मेरी मेहंदी ना एक्चुअली गाइस 30th को ही लग गई थी। 1 तारीख को ना बस मैंने मेहंदी का ड्रेस पहना था और अच्छी अच्छी मैं फोटोज ले रही थी। तो मामा पापा भी आ गए थे फोटोज लेने और इस टाइम पे मैं इतनी नर्वसनेस हो रही थी, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी मुझे। तो गाइज आपने जो ये गीत सुना है इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्या, और ये अपर शिमला की शादियों में बहुत गाते हैं। ये शगुन के तौर पे माना जाता है और ये बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में और ये बहुत अच्छा शगुन भी होता है। तो गाइज अब हो रही है नगारों की पूजा। जो भी ये बैंड बाजे वाले हैं ना इनकी पूजा करते हैं पंडित जी, इसमें मंत्र पढ़ते हैं और पैसे देने पड़ते हैं और इसकी पूजा होती है, उसके बाद ये बजा के हम लोग डांस करते हैं। की वेदी सज गई है, अब होएगी पूजा, वधू पूजा और मामा पापा की पूजा होएगी, उसके बाद मेरा तेल बटना शुरू हो जाएगा। तो गाइज अब पंडित जी ना मुझे परांदी बांधते मेरे हाथों में, पैरों में और गर्दन में, जो कि आफ्टर मैरिज पति पत्नी की खोलते हैं और पत्नी पति की खोलते हैं। सबसे पहले मुझे जो तेल बटना लगा रहे हुए मेरी बुआ सबसे छोटे वाले, क्योंकि सबसे पहले जो मेरे सुहाग का नाम है वो इनके नाम से आया था। तो
तो गाइज मुझे ना 5-6 बार तेल बटना लगा है, जिसके लिए मुझे बोला था कि जितनी बार तेल लगेगा 5-5 मिनट बाद आपको नहाना पड़ेगा, और मुझे ना 5 बार नहलाया गया है। तो मैं इतनी ठंड लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और दिसंबर का मंथ था तो आप सोच सकते हो कि कितना ठंडा मौसम होता है हिमाचल में। तो अब अंकु आया है और मैं अंकु को बोल रही हूँ प्लीज़ कम कम लगा ले क्योंकि निकल नहीं रही है हल्दी। तो अंकु बोल रहे तेरे को किसने बोला था शादी करने को, मैं तो लगाऊंगा बहुत ज़्यादा। तो अब आए हैं मेरे मामी और अब होगा मामा स्वागत। मेरे बस क्लोज क्लोज मामी ही आए थे, तो अब मैं इसकी कुछ क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। आराम से करो काम।
ये कुछ क्लिप्स है गाइस, ये मेरे कजन ब्रदर्स है और कुछ तो होने चाहिए एंजॉय करने वाले लोग भी, तो ये मस्त नाच रहे हैं। तो गाइस मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, अभी मैं सब कुछ भूल गई थी और अपने भाइयों के साथ फैमिली के साथ इन्जॉय कर रही थी डांस। अब मैं नेक्स्ट डे की ना आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, कुछ अच्छी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग्स तो आपने टेक इट ईजी में ऑलरेडी देख लिया, अगर नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, लाइक कीजिए। तो गाइज ये जो मोमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स है मेरी लाइफ के, क्योंकि जब भी मेरी शादी होटल में हो रही थी तो मैं घर से मम्मी को ये बोल रही थी, मम्मा प्लीज़ रोना नहीं क्योंकि आपको देख के मैं इमोशनल हो जाऊँगी। तभी मेरे मम्मा पूरी फैमिली स्माइल कर रहे थे, और वो एक मोमेंट ऐसा मोमेंट था ना जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी, और मुझे वो सारी मेमोरीज याद आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई सच में। और जो इससे आगे का जो पार्ट है गाइस रिसेप्शन व्लॉग, वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, तो जिसने भी वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो जाके देखे। बाय बाय, टेक केयर।